माइकल जैक्सन एक अमेरिकी गायक, गीतकार, डांसर और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। किंग ऑफ पॉप के रूप में विख्यात, उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शख्सियतों में से एक माना जाता है। अपने 4 दशक के करियर के दौरान संगीत, नृत्य और फैशन में उनके योगदान के साथ साथ उनके प्रचारित निजी जीवन ने उन्हें लोकप्रिय संस्कृति में एक ग्लोबल स्टार बना दिया। जैक्सन ने मूनवॉक जैसे जटिल डांस मूव्स को लोकप्रिय बनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं किंग ऑफ पॉप, अब तक के सबसे महान एंटरटेनर माइकल जोसेफ जैक्सन की जिंदगी के बारे में। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। वो जैक्सन परिवार में 10 बच्चों में से 8वें थे। उनकी माँ कैथरीन एस्टर जैक्सन शहनाई और पियानो बजाती थी और स्टेज कलाकार बनने की ख्वाहिश रखती थी। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ वाल्टर जो जैक्सन एक पूर्व बॉक्सर और यूएस में क्रेन ऑपरेटर थे और एक स्थानीय बैंड के साथ गिटार भी बजाते थे। जैक्सन ने 1964 में अपने बड़े भाइयों जैकी, टीटो, जर्मेन और मार्लन के साथ द जैक्सन 5 बैंड के सदस्य के रूप में अपनी सार्वजनिक शुरुआत की। माइकल ने कहा कि उनके पिता ने रिहर्सल के दौरान उनका शारीरिक और भावनात्मक रूप से एब्यूज किया। उन्होंने कहा, जब वो और उनके भाई बहन रिहर्सल करते थे तब उनके पिताजी अक्सर अपने हाथ में एक बेल्ट के साथ एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी भी गलती की सजा देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जो ने भी स्वीकार किया कि वो नियमित रूप से माइकल को अनुशासित और परेशानी से दूर रखने के लिए कोड़े मारता था। माइकल ने कहा कि अपनी युवावस्था के दौरान वो काफ़ी लोनली और आइसोलेटेड था। जैक्सन ने अपना सोलो करियर 1971 में मोटाउन रिकॉर्ड्स में शुरू किया। वो अपने 1979 के एल्बम ऑफ द वॉल के साथ एक सोलो स्टार बन गए। उनके संगीत वीडियो, जिनमें उनके 1982 के एल्बम थ्रिलर से बीट इट, बिल्ली जीन और थ्रिलर शामिल है, अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। जबकि उसका एल्बम बैड 5 US बिलबोर्ड हॉट 100 बनाने वाला पहला एल्बम था। सफलता ने जैक्सन को ग्लोबल पॉप संस्कृति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में बदल दिया। उस समय संगीत उद्योग में जैक्सन की रॉयल्टी रेट सबसे अधिक थी। माइकल जैक्सन संगीत व्यवसाय के लिए एक वन मैन आर्मी था। एक गीतकार जो एक दशक तक ताल ठोकता है, सड़क पर सबसे प्रशंसनीय पैरों वाला एक डांसर, एक गायक जो स्वाद और शैली और रंग की सभी सीमाओं को भी पार करता है। ।1984 में पेप्सी के लिए एक कमर्शियल फिल्माने के सेट पर जैक्सन के बालों में आग लग गई।
वो दुर्घटना आतिशबाजी बनाने की विद्या के कारण हुई थी और जैक्सन को अपनी खोपड़ी में दूसरी डिग्री बर्न हो गया था। परिणाम स्वरूप निशान को ढकने के लिए जैक्सन ने ऑपरेशन किया, राइनोप्लास्टी सर्जरी। पेप्सी ने जैक्सन को भुगतान करके इस मुद्दे को अदालत के बाहर ही सुलझा दिया। माइकल ने कैलिफोर्निया के चिकित्सा केंद्र को 1.5 मिलियन का दान दिया, जिसने उसके जलने का इलाज किया। धन्यवाद के रूप में कैलिफोर्निया में ब्रॉकमैन मेडिकल सेंटर ने अपने बर्न विभाग को माइकल जैक्सन बर्न सेंटर कहने लगा। अपनी युवावस्था के दौरान जैक्सन की त्वचा मध्यम भूरी थी, लेकिन 1980 के दशक के मध्य से धीरे धीरे फीका पड़ गया। परिवर्तन ने व्यापक मीडिया कवरेज को आकर्षित किया, जिसमें अटकलें भी शामिल थी कि वो अपनी त्वचा को ब्लीचिंग कर रहा था। उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने देखा कि जैक्सन को विटिलिगो नामक एक त्वचा रोग था। जैक्सन ने बीमारी के कारण रंग के असमान धब्बों को ढकने के लिए गोरे रंग के मेकअप और संभवतः त्वचा विरंजन नुस्खे वाली क्रीम का इस्तेमाल किया। इससे उनकी त्वचा फीकी नजर आती थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उम्र बढ़ने को धीमा करने के लिए जैक्सन एक हाइपरबेरिक ऑक्सीजन कक्ष में सोया था और उसके एक कांच के बक्से में लेटा हुआ एक फोटो भी सामने आया। साथ ही जैक्सन ने अपनी आवाज ऊंची रखने के लिए फीमेल हार्मोन शॉट्स लिए और उनकी आंखों की कॉस्मेटिक सर्जरी की, लेकिन खुद जैक्सन और जैक्सन की मैनेजर ने इन सभी बातों को खंडन किया और इन सभी को अफवाह बताया। जैक्सन अपने पालतू चिंपांजी बबल्स को जापान के दौरे पर ले गए थे। 1988 में जैक्सन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मूनवॉक जारी की। जैक्सन ने कैलिफोर्निया में 17 मिलियन की लागत से एक नया घर नेवरलैंड रैंच बनाया। उन्होंने अपने रैंच को आधा घर आधा मनोरंजन पार्क में बदल दिया। मनोरंजन पार्क में एक पालतू चिड़ियाघर, रोलर कॉस्टर, रेल मार्ग, बम्पर कार, एक फेरिस व्हील और एक हिंदोला था। जैक्सन ने 1992 में हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की स्थापना की। चैरिटी ने वंचित बच्चों को थीम पार्क की सवारी का उपयोग करने के लिए जैक्सन के रैंच में लाया करता था और युद्ध, गरीबी और बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए दुनिया भर में लाखों डॉलर भेजते थे। 1992 में जैक्सन ने अपने दौरे पर अफ्रीका के पश्चिमी तट का दौरा किया और वहां 1 लाख से अधिक लोगों ने उनका स्वागत किया। उनमें से कुछ के हाथों में वेलकम होम माइकल लिखा था। उन्हें इतना प्यार था कि आइवरी कोस्ट के एक छोटे से गांव में उन्होंने अपने राजा बनाने का फैसला किया। जैक्सन को राजस्थानी
का ताज पहनाया गया और आदिवासी प्रमुख के द्वारा माइकल जैक्सन अमलमन अनु नाम दिया गया। वो अपनी मृत्यु तक आइवरी कोस्ट का राजा बने रहे। 1993 में उन पर एक पारिवारिक मित्र ने चाइल्ड मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था। मुकदमा सिविल कोर्ट के बाहर हो गया था। एविडेंस की कमी के कारण जैक्सन को आरोपित नहीं किया गया था। उसके बाद जैक्सन ने स्वास्थ्य समस्याओं, आरोपों से तनाव और दर्द निवारक दवाओं की लत के कारण डेंजरस वर्ल्ड टूर को आधे में ही रद्द कर दिया। मई 1994 में जैक्सन ने लिसा मेरी प्रेस्ली से शादी की। उनकी शादी एक साल से कुछ अधिक समय के बाद समाप्त हो गया और दिसंबर 1995 में वे अलग हो गए। इसके बाद जैक्सन ने देवी रावे से शादी की और दोनों के दो बच्चे हुए। जैक्सन और रावे ने सन 2000 में डाइवोर्स ले लिया। दो में एक गुमनाम सरोगेट माँ ने माइकल के तीसरे बच्चे का जन्म दिया। 2005 में उन पर फिर से चाइल्ड मोनिस्ट्रेशन और कई अन्य आरोप लगाए गए। एफबीआई को किसी भी मामले में जैक्सन द्वारा आपराधिक आचरण का कोई सबूत नहीं मिला और अंत में बड़ी कर दिया गया। ट्रायल के बाद जैक्सन समावेशी हो गया। जैक्सन बैंक्रप्सी के कगार पे था और चल रहे 47 मुकदमों में शामिल था। न्यूवर्लिन रेंच के मुख्य घर को कॉस्ट कटिंग मेजर के रूप में बंद कर दिया गया था और जैक्सन बहरेन में रहने लगा। जैक्सन के कम से कम 30 कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं किया गया था और दंड के साथ वेतन को भुगतान करने का आदेश दिया गया था। मार्च 2009 में अपने फाइनेंस और स्वास्थ्य के बारे में अटकलों के बीच जैक्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमबैक कॉन्सर्ट्स दिस इज इट की एक सीरीज की घोषणा की। 1997 में हिस्ट्री वर्ल्ड टूर के बाद से शो उनके पहले प्रमुख संगीत कार्यक्रम थे। जैक्सन ने सुझाव दिया कि वो शो के बाद रिटायर हो जाएंगे। शो के सभी टिकट तेजी से बिक गए। थैंक यू ऑल। This is it. These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. Because, I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. एक समय तक जैक्सन का खर्च लगभग 500 मिलियन हो गया था। जैक्सन ने अपने ऋणों की भरपाई के लिए योजना बनाई, जिसमें एक विश्व भ्रमण, एक नया एल्बम, फिल्में और संग्रहालय और एक कैसिनो शामिल थे। 25 जून 2009 को अपने कॉन्सर्ट्स के 3 सप्ताह से भी कम समय पहले प्रोपोफोल और बेंजोडियाफाइन ओवरडोज के कारण
कार्डियक अरेस्ट से जैक्सन की मृत्यु हो गई। उनके निजी चिकित्सक कॉनराड मुरे ने लॉस एंजेलिस के हैम्बली हिल्स में एक किराए के हवेली में सोने में मदद करने के लिए जैक्सन को विभिन्न दवाई दी थी। पैरामेडिक्स को दोपहर 12:22 बजे 9:11 कॉल मिली और वो 3 मिनट बाद पहुंचे। जैक्सन सांस नहीं ले रहा था और CPR किया गया था। पुनर्जीवन के प्रयास मेडिकल सेंटर के रास्ते में और जैक्सन के वहां पहुंचने के 1 घंटे से अधिक समय तक जारी रहे और जैक्सन को दोपहर 2:30 बजे पर मृत घोषित कर दिया गया। 50 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर तेजी से ऑनलाइन फैल गई, जिससे वेबसाइट धीमी हो गई और उपयोगकर्ता के अधिभार से वेबसाइट क्रैश हो गई और गूगल, AOL, इंस्टेंट मैसेंजर, ट्विटर और विकिपीडिया सहित सेवाओं और वेबसाइटों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। जैक्सन का स्मारक 7 जुलाई 2009 को लॉस एंजेलिस के स्टेपल्स सेंटर में आयोजित किया गया था। स्मारक के टिकट के लिए 1.6 मिलियन से अधिक प्रशंसकों ने आवेदन किया, जिसमें 8,750 रेसिपिएंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। स्ट्रीमिंग इतिहास में स्मारक सेवा सबसे ज्यादा देखे जाने वाली घटनाओं में से एक थी। जैक्सन ने सैकड़ों पुरस्कार जीते, जिससे वो लोकप्रिय संगीत में सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक बन गए। उनके पुरस्कारों में 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 13 ग्रैमी पुरस्कार और 26 अमेरिकी संगीत पुरस्कार शामिल थे। If someone had told me that one day I would be getting, as a musician, the Artist of the Millennium Award, I wouldn't have believed it. This is really amazing. I can't believe it. Thank you so very much, but there's a couple of people I have to thank who made this possible. First, I'd like to thank God, who makes all things possible. My mother, Joseph Jackson, Catherine Jackson, Berry Gordy, Diana Ross, Gladys Knight, Quincy Jones, I love you. David Blaine, your magic is real and I believe in you. And I'd like to thank, I think James Brown is a genius. And all the fans around the world, I love you. God bless you. Thank you. माइकल जैक्सन के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। माइकल को मैक्सिकन भोजन बहुत पसंद था। ।2015 में नेवरलैंड रेंच को ऑक्शन के लिए $100 मिलियन के लिए सूचीबद्ध किया गया था और फिर एक से अधिक बार डिस्काउंट दी गई और अंत में 2019 में $22 मिलियन में बेचा गया। जैक्सन लुइस और लोला नाम के अपने पालतू लमाओं से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें इतना प्यार करता था कि वो अक्सर उन्हें लॉस एंजेलिस में अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले जाता था। अपने थ्रिलर संगीत वीडियो में जैक्सन की कॉस्ट्यूम सेकेंड हैंड स्टोर से खरीदी गई थी। जैक्सन को 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बैठक में भाग लेना था, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाया क्योंकि उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। माइकल जैक्सन हमेशा से स्पाइडरमैन की भूमिका निभाना चाहते थे। दिवालियापन के लिए डायर किए जाने के बाद जैक्सन ने मार्वल कॉमिक्स को खरीदने का भी प्रयास किया,
यह सोचकर कि वो फिल्म में इस चरित्र निभाने के लिए खुद को कास्ट कर सकता है, लेकिन वो नाकामयाब रहा। जैक्सन ने एक्समैन का चरित्र प्रोफेसर एक्स की भूमिका के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन इस भूमिका के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। माइकल जैक्सन ने अपने पिता को अपनी इच्छा से वसीयत से छोड़ दिया। माइकल की मृत्यु के बाद यह पता चला कि उसकी संपत्ति उसकी माँ और उसके बच्चों को दी जानी थी और उसके पिता के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप उनके प्रसिद्ध मूनवॉक और मनुष्य के लिए लगभग असंभव कोण पर झुक जाने की क्षमता से परिचित हो सकते हैं। यह सब उनके ग्रेविटी डिफाइंग जूतों के कारण था। माइकल जैक्सन के पास दो पालतू लामा थे, बबल नाम का एक चिंपांजी और जिप्सी नाम का एक हाथी थे। जैक्सन की मृत्यु के बाद उसके कई जानवर अज्ञात थे। उसका पेटिंग चिड़ियाघर बंद कर दिया गया था और कोई नहीं जानता था कि सभी जानवर कहाँ गए। कई चिड़ियाघरों को दे दिए गए या निजी मालिकों को वापस भेज दिए गए, लेकिन कुछ अभी पूरी तरह से गायब हो गया था। विशेष रूप से उनकी जिप्सी नामक हाथी को ठिकाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके बहुत चर्चित लामा भी गायब हो गए हैं। यह रहस्य दुखद है। अपने अजीब जीवन के बावजूद माइकल जैक्सन हमेशा के लिए एक म्यूजिक लीजेंड बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों